आजकल हम सब मिलिटेंसी से परेशान हैं, हम में से कोई नहीं चाहता कि कश्मीर में मिलिटेंसी हो। आज भी जब हमारा कोई भाई कुछ दिनों तक घर नहीं लौटता तो पहला शक और पहला डर हमारे मन में यही होता है कि या खुदा इसने मिलिटेंसी ना ज्वाइन कर ली हो। हमने कितनी वीडियोस देखी हैं जहां कश्मीरी माओं ने हाथ जोड़कर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से इल्तिजा की है कि उनके बेटों को वापस कर दिया जाए। हमने कितनी वीडियोस देखी हैं जहां कोई भी इनकाउंटर करने से पहले आर्मी ने पहले हमारे भाइयों से इल्तिजा की कि वो सरेंडर कर लें, लेकिन वो सरेंडर नहीं करते, वो वापस नहीं आते। इस मिलिटेंसी के असली जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने हर कश्मीरी घर में एक ही चीज सुनी है, ये छो हिंदुस्तान इज गलती, ये छो हिंदुस्तान इज गलती। हर चीज में हिंदुस्तान की गलती निकालते हैं, हर चीज में गवर्नमेंट की या हिंदुस्तान की ही गलती होती है, हर चीज में हिंदुस्तान को ब्लेम किया जाता है। तो ऐसे में हमारे भाई तो यही सोचेंगे ना कि मिलिटेंसी ज्वाइन करके वो एक तरह से हमारी कम्युनिटी पर एहसान कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि वो हिंदुस्तान से, अपने खुद के मुल्क से वफादारी कर लें, अपने वो ये सोचें कि हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं बजाय इसके कि मुल्क हमारे लिए क्या करता है, उस दिन फिर किसी भी मिलिटेंट की औकात नहीं होगी कि हमसे हमारे किसी भाई या बच्चे को छीन कर ले जाएं, या हमसे हमारे या हमारे किसी भाई को वो बहका कर मिलिटेंसी ज्वाइन करवाएं, या हमारी किसी बहन को वो गन पॉइंट पे सरपंच की पोस्ट से रिजाइन करवाएं। फिर किसी की औकात नहीं होगी कि हमारे हिंदू भाई को कोई मारे। जिस दिन हम अपने मुल्क से वफादारी करने लगेंगे, उस दिन ये मिलिटेंट समझ जाएंगे कि ना सिर्फ जो भी हमारे भाइयों को बहकाने का काम कर रहा है वो समझ जाएगा कि ना सिर्फ वो लोग दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल आर्मी के साथ डील कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में सबसे वफादार लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं। क्योंकि एक बार कश्मीरी ने वफादारी दिखाई तो वफादारी में हमें कोई बीट नहीं कर सकता। जिस दिन हम सब एक साथ इकट्ठे हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाएंगे, उस दिन फिर किसी मिलिटेंट की हिम्मत नहीं होगी कि वो मिलिटेंसी हमारे कश्मीर में करके दिखाए थे।